चर्चा कर लेंगे। फोरी चालक की आयता के बारे में, फोरी चालक का तात्पर्य है कि चालक हमारा कैसा है, गोल आकार का। तो ये चालक आप देख पा रहे हैं, ये चालक हमने एक बनाया, गोल आकार का चालक बनाया है। इस गोलीय चालक में हम देखेंगे वास्तव में है कैसा, जैसे अपन चूड़ा पहनते हैं, जैसे आप हम चूड़ा पहनते हैं कि उसी प्रकार का ये भी चालक है, अंदर से खोखला है, बाहर से चूड़े की पूरी परत बनी हुई है इसमें। तो भाई बात आती है, पहले तो पहला काम फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम, यदि हमसे डायग्राम बनाते बन गया तो निश्चित रूप से सवाल हल करते बन जाएगा। हमारी समस्या तब होगी जब उनसे डायग्राम नहीं बनेगी, जो हमने देखा इसमें वही उनको लिख देना। हम क्या देख पा रहे हैं, माना कैपिटल के एक बिल्कुल गोलीय चालक जो हमने देख लिया, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इसका केंद्र कैपिटल ओ है, इसका केंद्र कैपिटल ओ है। इस चालक के सतह पर, इसकी चालक की सतह पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इसकी चालक की जो सतह है इसमें कौन सा आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है जो चालक में समान रूप से वितरित है। समान रूप से कहने का मतलब है कि एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं चालक करंट लगा दिए यहाँ पे, मान लीजिए चार पांच बल्ब यहाँ लगा दिए, सभी बल्ब में जलेंगे बराबर मात्रा में जलेंगे, जो मतलब यदि 100-100 वाट के हैं तो 100-100 अपने अपने ऊर्जा के हिसाब से जल जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो ऊर्जा का वितरण होगा वो सभी जगह एक समान होगा, जो ऊर्जा का वितरण होगा सभी जगह एक समान होगा। हम इसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, जो ये आवेश जो है उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब इसमें आवेश समान रूप से वितरित हो गया, इसमें जैसा कि मैंने बताया आवेश और विभव अनुक्रमान बात, जब आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा तो यदि इसमें विभव भी क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। जब इसमें विभव भी समान रूप से वितरित हो जाएगा तो ये जो पृष्ठ है वह सम विभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। सम विभव पृष्ठ परिभाषा बताए थे, ऐसा प्रश्न जहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव मान एक समान होता है, ऐसे प्रश्न को सम विभव प्रश्न कहते हैं। तो ये सम विभव प्रश्न की तरह कार्य करने लगेगा। अब हम इसकी धारिता निकालेंगे, तो फिर धारिता के लिए पहले विभव निकाल लेंगे, विभव निकाल लेंगे धारिता निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए लिखा जाए, माना कैपिटल ए विलगित गोली है, विलगित गोली है चालक, इसका केंद्र कैपिटल ओ तथा त्रिज्या कैपिटल आर, तो बिंदु
विद्युत पर विभव बिंदु पी पर विभव बिंदु पी पर विभव को अनुरा जुमाया गया था पिछले लेक्चर में मैंने बताया था विभव को आज विभव पर फॉर्मूला क्या होता है हमारा कौन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू कैपिटल पी अपॉन डिस्टेंस ये आर हो जाएगा आर आ गया ठीक है। अब यहाँ पे वो आ गया हम क्या करते हैं गोली चालक की धारिता निकालते हैं गोली चालक की धारिता निकाल लीजिए बोलिए चालक गोली चालक की धारिता गोली चालक की धारिता इसका फॉर्मूला क्या होता है धारिता कैपिटल सी बराबर कैपिटल क्यू अपॉन दिया जाएगा पहले खुद करें कितना है कैपिटल सी वन अपॉन सॉरी इसका हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन काम करना है इसमें यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज सुबह कई बार पूछा पांच नंबर में आया था एक बार एक नंबर में आया था जब एक नंबर में आया था तो इतना सारा कुछ नहीं था केवल ये लिखा था इसी बराबर गोली चालक की धारिता क्या होगी एक नंबर में जब आया था केवल सूत्र पूछा था ये क्वेश्चन लगभग दो तीन साल में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है हमारे फिजिक्स में कार पूछोगे तो हर क्वेश्चन दो तीन साल में रिपीट होता है जैसे इस वर्ष आपके पेपर में अच्छी स्थिति आया था उसके पिछले वर्ष आया था गॉस की प्रमेय सार्थक गुणांक के लिए उसके पिछले वर्ष आया था गॉस की प्रमेय ऐसे करके रिपीट कर देता है क्वेश्चन हो सकता है उन्हीं में से कोई नया क्वेश्चन दे दे तीन चार पाँच साल से पिछले जो क्वेश्चन आए हैं उनमें कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा इस प्रकार से इसको हल कर देना है और आप घर में नोट्स बनाते चले जब भी विद्यालय खुलेगा वो इसके आगे से पाया जाएगा आज के लिए धन्यवाद।